दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरा टेक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको मोजिला फायरफॉक्स में मल्टी वाउचर कैसे बनाते हैं, उसका अलग अलग अकाउंट पर कैसे काम करते हैं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका उपयोग बिजनेस के लिए या स्टडी के लिए किया जाता है। बार बार हमें लॉगिन नहीं होना पड़े और हमें समय की बचत हो सके, अलग अलग वाउचर पे अलग अलग काम कर सके, इन सब के लिए इनका यूज होता है। ये अपने बहुत फायदेमंद में है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की ओर। आप जैसे इसको खोलते हो तो ये पहले वाले अकाउंट की तरह खुल जाता है। इसमें जो पहले वाला अकाउंट लॉगिन है वो लॉगिन रहता है। हमें मल्टी अकाउंट में खोलना है इसलिए इसकी सेटिंग करनी होगी। इसलिए आपको इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको शॉर्टकट में नीचे टारगेट पर इसका लिंक दिया हुआ है, इसको हमारे को चेंज करना है। यहाँ पर स्लैश पे क्लिक करना है, इसके बाद अप्लाई करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा एरर आ जाता है। इसमें बताया गया है कि ये फाइल वैलिड नहीं है। इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, इसके बाद अप्लाई करते हैं। आपका अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा बताने का मतलब था कि कोई भाई इसे स्पेस नहीं देते हैं और ऐसे ही टाइप कर देते हैं, जब फिर वो अप्लाई करते हैं तो ये काम नहीं करता है, तो वो कहते हैं कि ये तो वीडियो ही सही नहीं बनाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है, इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। अब ओके कर देना है। अपने को जो सेटिंग करनी थी वो कर दी। इसके बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है और आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है चूज यूजर प्रोफाइल। अब आपको यहाँ पर क्रेडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। हमें न्यू फाइल बनानी है, इसमें नेक्स्ट दबा देना है। यहाँ पर आप जो भी फाइल का नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ बिजनेस पर क्लिक कर देते हैं। आपको यहाँ पर एसेट पर क्लिक कर देना है और हमें इस फाइल का नाम बिजनेस कर लेना है। पे राइट क्लिक करके वापस प्रॉपर्टी पर जाना है। को यहाँ पर इसमें स्पेस देके फोल्डर नेम बिजनेस टाइप कर स्पेस देके /no/root लिखकर अप्लाई कर देना है, फिर ओके कर देना है। को खोलोगे तो ये न्यू फाइल की तरह खुल गया है। अब आप इसमें न्यू अकाउंट बना सकते हो, नया कोई भी काम कर सकते हो, पुराने वाले ब्राउचर से कोई लिंक नहीं रहेगा। दोस्तों आपको को ऐसे ही एक और मैं बना के दिखाता हूँ। इसको आपको सबसे पहले शॉर्टकट ले लेना है, इसके बाद में इस पर आप नाम टाइप कर दीजिए स्टडी, फिर आपको प्रॉपर्टी पर जाना है। इस पर यहाँ पे बिजनेस स्टडी कर दीजिए स्पेस, यहाँ पर बिजनेस की जगह स्टडी कर दीजिए। अप्लाई ओके, फिर इस पर डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट फिर आपको यहाँ एक्सेप्ट कर देना है, फिर आपको डबल क्लिक करना है। आपके सामने न्यू ब्राउचर फिर खुल गया है। इसे आप इसमें भी दूसरी फाइल बना के काम कर सकते हो। ऐसे ही आप बहुत सारे मल्टी ब्राउचर बना सकते हो।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल वाले घंटे पर क्लिक ज़रूर कर देवे ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।